अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में कुवैत से जो सबसे पहली खबर आपको सुनाने वाला हूं साथियों, थोड़ी अब ये बुरी खबर भी आप समझ सकते हो या फिर अच्छी खबर भी आप समझ सकते हो। साथियों, यदि कुवैत में आप मौजूद हो, यदि आप प्रवासी हो, यदि आप बीमार पड़ जाते हो, यदि आप इलाज करने के लिए जाते हो, तो उसके लिए कुछ प्राइसों को वहां पे पैसे को फिक्स किया गया है। यानी सर्विस इतना आपका लगेगा और दवाई का आपका इतना लगेगा। तो मैं डिटेल पूरी बता देता हूं। कुवैत से 2KD सर्विस, 5KD मेडिसिन फॉर एक्सपर्ट। यानी दोस्तों, कुवैत में यदि आप इलाज कराने जाते हो तो 2KD आपको सर्विस चार्ज आपका लग जाएगा और 5KD आपको मेडिसिन का लगेगा। यदि आप इंडिया में रहते हो तो 5KD दोस्तों लगभग 1250 रुपए हो गया और 2KD सर्विस का, यानी मान के चले कि 2000 रुपए के आसपास आपका खर्च होगा यदि कोई हॉस्पिटल में आप दिखाने जाते हो तो। यदि आपका मेडिकल यदि फ्री आपको कंपनी की तरफ से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मेडिकल की तरफ से कब फ्री नहीं दिया गया तो मान के चले कि 2000 के लमसम आपको पैसे वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा। खबर को पूरी तरह से यहां पे पढ़ सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, कुवैत सेट 2KD सर्विस, 5KD मेडिसिन फॉर एक्सपर्ट। यानी दवाइयों के लिए 5KD देना पड़ेगा और दोस्तों सर्विस के लिए आपको 2KD आपको देना पड़ेगा। अगली जो खबर दोस्तों हमारे साथ, ये थोड़ी बड़ी खबर है और ये थोड़ी अफसोसजनक खबर है, क्योंकि कुवैत में एक रॉयल फैमिली के एक शख्स की वहां पे मौत हो चुकी है। खबरों को दोस्तों यहां पे आप पढ़ सकते हो, रॉयल मेंबर गेट डेथ सेंटेंस। साथियों, ये डेथ सेंटेंस दिया गया। अब साथियों, मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको किसी तरह की सजा मिली थी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ गेट डेथ सेंटेंस। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी कोर्ट के तरफ से कोई बड़ा फैसला सुनाया जाता है तभी ऐसी बातें लिखी जाती है। अब साथियों, यदि कुवैत में आप हो तो आपको पता होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही, बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। यदि आप लोग कुवैत में रहते हो, यदि आप लोग अपना गाड़ी का ट्रांसफर वगैरह या रिन्यूअल वगैरह करवाना चाहते हो, लाइसेंस वगैरह, जैसे कि खबरों को आप देखिए, नो व्हीकल ट्रांसफर और रिन्यूअल विदाउट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ना ही आपका गाड़ी का ट्रांसफर होगा, ना ही आपका रिन्यूअल होगा जब तक आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करते हो। जी हाँ, यदि आप लोग कुवैत में कहीं पे भी रह रहे हो, चाहे वो कुवैती नागरिक हो, प्रवासी हो, जो भी आप लोग हो, तो आप लोगों को पता होगा पहले क्या होता था, यदि आपका बिजली बिल बकाया होता था तो आपका जो ट्रांसफर है वो हो जाता था। पर दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप फुल पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वाटर बिल का पेमेंट नहीं करते हो, तब तक आपका ना गाड़ी की ट्रांसफर होगा, ना ही गाड़ी का आपको मतलब लाइसेंस वगैरह रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है मिनिस्ट्री के तरफ से। अब दोस्तों, आने वाले टाइम में इससे प्रवासियों को खास करके काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग जो है बिल नहीं देते थे पर वो लोग रिन्यूअल करवा लेते थे। साथियों, अगली जो खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है, वैसे खबर इंडिया से। साथियों, आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा को जानते होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा बेटी को भी आप जानते होंगे, जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, जो भी इंडिया के बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है। बहुत सारी फिल्मों आप लोगों ने इसके बारे में जानते भी होंगे और देखा भी होगा। तो साथियों, ऑफिशियली सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, इनका एक बॉयफ्रेंड था जिनका नाम है जहीर इकबाल, वीडियो को सुनकर दोस्तों जिनके फोटो देख रहे हैं, इनसे वो शादी करने जा रही है 23 जून 2024 को। खबर को यहाँ पे पढ़िए, 23 जून को जहीर इकबाल से शादी करेंगी सोनाक्षी सिन्हा, सिल्फा सेट्टी के रेस्टोरेंट में होगा सेलिब्रेशन। तो साथियों, ये खबर आते ही बहुत सारे लोग जो है उसे खुश भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है उसे नाखुश भी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का मजहब जो है वो अलग अलग है। अब इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर 23 जून को दोस्तों इनकी शादी होने वाली है और दोनों बिल्कुल राजी खुशी शादी कर रहे हैं। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट थी जो कुछ सारी थी मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।